बिहार में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। रोजाना तेज रफ्तार से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार सख्ती बढ़ाएगी, क्या बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इन सवालों का सोमवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बिहार में लॉकडाउन पर फैसला कल की बैठक के बाद यानी 5 जनवरी को लिया जाएगा। अभी चल रहा समाज सुधार अभियान, नीतीश कुमार ने कहा कि समाज सुधार अभियान अभी चल ही रहा है। वहीं बिहार में फिलहाल ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, लेकिन कल की बैठक में स्थिति का आकलन कर फैसला लिया जाएगा। जो निर्णय लेना है वो कल लिया जाएगा, जो केवल एक सप्ताह या 5 दिन के लिए लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना टेस्टिंग की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 1.5 लाख से 2 लाख तक हर रोज जांच हो रही है, 5 लाख के औसत से बिहार पार है। हालांकि अभी अचानक पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है कि यात्रा कैंसिल की जाए। हम सब चाहते हैं तो भीड़ जरूर होती है, ऐसे में ये आगे देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। सभी चीजों को देखते हुए कल शाम में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।